राम मंदिर एक आस्था का विषय है, ना कि राजनीतिक विषय। अखिलेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं, पक्का अखिलेश आ रहे हैं। नहीं भैया, तंग हो गया इंसान। क्यों? राम माता रो रही है भाजपा के नाम पे, सारा पैसा खा गए मेरे पति के नाम पे। अभी उनका देख लिया, रामराज में अच्छा खासा ट्रस्ट का चोरी है। इस समय मैं उत्तर प्रदेश की धरती पे मौजूद हूँ, वही उत्तर प्रदेश जहाँ 2022 का चुनाव होने वाला है। सरगर्मियाँ अभी से तेज़ हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता के दिल में क्या है, 2022 में किसको चुनेगी, किसको सिंहासन पर बैठाएगी, इन्हीं सभी मसलों पर आज हम उत्तर प्रदेश की जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि इनके दिल में क्या है। तो चलिए उत्तर प्रदेश की जनता से पूछते हैं खुद उनसे कि 2022 में सीएम योगी आदित्यनाथ को फिर चुनेंगे या परिवर्तन होगा। राहुल कुमार सावंत, 2022 का चुनाव नज़दीक है, क्या लगता है कौन सी सरकार बाजी मारेगी? शिक्षा और अहम मुद्दों पे देखा जाए तो सपा सरकार ही बाजी मारेगी। हाँ, और मंदिर मस्जिद का मुद्दा होगा तो भाजपा कुछ कहा नहीं जा सकता है। तब तो राम मंदिर ये बनवा रही है, तो आपको लगता है कि बीजेपी को सारे हिंदू वोट देंगे? राम मंदिर एक आस्था का विषय है, ना कि राजनीतिक विषय। हाँ, अभी को इन्होंने आस्था का राजनीतिकरण कर रहे हैं तो अलग बात है। अभी घोटाले की बात आ रही थी, घोटाला तो इनकी सरकार में हमेशा होता है, लेकिन उसका पस पैमाना अलग होता है। कोई सुझाव देना चाहेंगे मोदी? सुझाव यही देना चाहेंगे कि बस देश पे ध्यान दीजिए मोदी जी, और ऐसा कुछ नहीं। और सबसे बड़ी वजह हारने की बीजेपी सरकार की क्या है? अगर हारती है तो बस इनका झूठ 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 और झूठ झूठ और झूठ। किस प्रकार का झूठ की बात कर रहे हैं? हर प्रकार के, राजनीतिक से लेकर सामाजिक, हर प्रकार का। अखिलेश यादव आएंगे कि मायावती आएंगे? अखिलेश बेहतर है, अखिलेश एक विजनरी नेता है। क्यों? एक उनका विजन है, हर काम करने का एक अलग विजन रहता है उनका। बीजेपी तो उनको टोटी चोर बोलती है। बोलने से क्या होता है? बोलने से तो भाजपा भी तो है क्या? भाजपा का भी स्लोगन है, सीता माता रो रही है भाजपा के नाम पे, सारा पैसा खा के मेरे पति के नाम पे। अच्छा, सीता माता रो रही है भाजपा के नाम पे। हाँ, सारा पैसा खा गए मेरे पति के नाम पे। अच्छा, राम के नाम पे इन्होंने बीजेपी, आप ये कहना चाहते हैं बीजेपी के नेता खा रहे हैं? इसके पहले से खाते आ रहे हैं, उनकी पैदाश ही राम के नाम पे हुई है। लेकिन लोग तो कह रहे चंदा मंदिर बनवाने के लिए हम दिए थे, मंदिर बनवाने के लिए दिए थे, लेकिन इसका राजनीतिक प्रचार आप कर रहे हैं ना? हम कर रहे हैं नहीं, सॉरी, भाजपा की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो अंत में एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, 2022 में कौन आ रहा है? अखिलेश आ रहे हैं। अखिलेश आ रहे हैं, पक्का अखिलेश? पक्का अखिलेश। योगी जी जा रहे हैं? जा रहे हैं। अच्छा, योगी जी तो ब्राह्मणों को भी अपने अंडर में कर लिए हैं। इनको क्या है, इनको तो सारी जातियों को करना है लाभ, बस कुछ विशेष खबर को देना है। अच्छा, आपका आरोप आप ये लगाना चाहते हैं ब्राह्मणवाद? नहीं, योगी जी तो ठाकुरवाद इनके अंदर ज्यादा है। हाँ, ना नहीं है, हर जगह जाके थाने से कोतवाली, जिला प्रभारी से लेके जिलाधिकारी तक जा रहे, कुछ उच्च पदों पर ठाकुर ही बैठे हुए हैं, उनको बढ़ावा भी देते हैं। कुलदीप सिंह सेंगर को देख लीजिए कितना बढ़ावा। नाम है आपका? शिव अंसारी। 2022 का चुनाव नजदीक है, कौन सी सरकार आएगी? सपा। सपा, भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी? नहीं भैया, तंग हो गया इंसान। क्यों तंग हो गया? योगी जी तो कह रहे यूपी को हमने बहुत अच्छा बना दिया। नहीं भैया, जमीनी स्तर पे आइए तो कुछ नहीं हुआ है, हर लोग परेशान है, चाहे रोटी हो चाहे रोजगार हो, हर तरह से परेशान है। एक वजह बताइए कि अखिलेश यादव को यूपी की जनता वोट दे? लोग पसंद कर रहे हैं भाई, अगली बार 2022 में पसंद कर रहे हैं। क्यों पसंद है ही नहीं है, मुद्दे को समझे। अखिलेश यादव ने क्या किया उत्तर प्रदेश के लिए? 2017 में आप देख लीजिए, 2 साल में बहुत कुछ किया है। हाँ, और इनका मिला लीजिए योगी आदित्यनाथ का, योगी आदित्यनाथ ने भी तो बहुत कुछ किया। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को हमने राम राज्य बना दिया, सिर्फ कागजी में है। हाँ, अभी उनका देख लिया, राम राज्य में अच्छा खासा ट्रस्ट का चोरी है, तमाम सारा चीज आया है उसमें। कह रहे हैं कि महिलाओं पर अत्याचार रेप की घटनाएं कम हुई है? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है उत्तर प्रदेश, कागजी में है। अच्छा, ठीक है ना, जमीनी हरकत में आइए तो बहुत कुछ नहीं हुआ है। सीएम योगी का से अगर आप कोई अपील करना चाहते हो तो क्या अपील करेंगे? योगी जी से आज ये कहेंगे कि रोजगार बढ़ाएं, हर लोग परेशान है, जो छोटे स्तर के लोगों को थोड़ा ख्याल रखा जाए, और जो अमीर है उनको अमीर बनाते चले जा रहे हैं, जो नीचे वाला स्तर है वो मिट्टी मिल चुका है। तो आप किसको चाहते हैं कि सीएम बने, सपा, बीजेपी या बहुजन समाज पार्टी? जो अच्छा काम करेगा वही बनेगा, वही अच्छा है। योगी जी से नाराज दिख रहे हैं लोग, यूपी के काफी लोग, जब से लॉकडाउन लगा उसके बाद से उत्तर प्रदेश सरकार से नाराज, खासकर जो मिडिल क्लास है, गरीब जनता है।
भाई नाराज तो है ही है, क्योंकि आदमी को हर चीज का सामना परेशानी का सामना करना पड़ा है। योगी जी कह रहे हैं तो हम तो अपने यूपी को बहुत अच्छा बना दिए हैं, राम राज्य बना दिए हैं। पब्लिक को देखने में अच्छा है तो अच्छा ही है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। नमस्कार।